हेलो जी, गुड मॉर्निंग, राम राम। स्वागत है आप लोगों का हमारी आज की एक और नई वीडियो में। तो भाई, आज का दिन बहुत अच्छा है लेकिन हमारे लिए बहुत ख़राब है। मतलब क्या बोलें हम, वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज जब से सो के उठे ना, हमारे इधर पूरा बताते हैं कैसे, ये वाला जो हाथ है ना, इसके शोल्डर, ये यहाँ से लेके इधर पीछे पूरा, ये से पीछे पूरा, ये साइड पूरा नस चढ़ गया। और नस चढ़ा है ना, उसकी वजह से इतना ज़्यादा पेन हो रहा है कि हम कुछ बता नहीं सकते हैं। और देखो आज कैसे बने हुए हैं, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है इसकी वजह से ना। हमने मतलब साड़ी नहीं पहने, क्योंकि साड़ी पहनते ना तो थोड़ा उसको खींच के ऐसे ड्रॉप करते तो खिंचाता है, तो उसकी वजह से और दिक्कत होता है। इसीलिए हमने आज साड़ी नहीं पहना है। हमने सोचा मतलब हम रेडी भी नहीं हुए हैं, नॉर्मल जैसे रहते हैं वैसे ही हैं। सुबह उठे, दर्द बहुत हो रहा था लेकिन फिर भी घर के काम सारे, जो भी खाना बनाना सब कुछ करके, और अभी थोड़ा आराम किए, फिर थोड़ा सा मालिश भी करवाए, मूव लगवाए, फिर भी थोड़ा बहुत मतलब 1% वाला कह सकते हो आराम हुआ है, उससे ज़्यादा नहीं हुआ है। जिस हाथ में हमने होल्ड कर रखा है ना कैमरे, इसी हाथ में है। तो भाई कुछ भी हो, अब शादी हो गई तो ससुराल में काम तो करना ही पड़ेगा, क्या ही करें। बहुत याद आ रहा है घर का। तो भाई क्या ही बोलें, अभी घर की बहुत याद आ रही। बात बताते हैं, जब शादी नहीं हुई रहती है ना, जब हम अपने घर पे रहते हैं तो मम्मी अगर कुछ भी कहती हैं तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। मतलब हम ही नहीं, हर लड़की ऐसी होती है, सब मतलब सबके साथ ऐसा होता है। अगर मम्मी कुछ बोली तो गुस्सा हो जाता है, लेकिन शादी के बाद याद आता है कि मम्मी जो बोलती हैं सही के लिए बोलती हैं, कभी भी कुछ गलत नहीं बोलती हैं। और क्या ही बोलें, हाथ दर्द से परेशान है। फिलहाल बहुत सारे काम तो करने ही हैं, कपड़ा प्रेस तो नहीं हो पाएगी क्योंकि इसी हाथ से होना है। मतलब ये वाला जो हाथ है इसी हाथ से करेंगे, ये राइट हैंड है तो इससे हो नहीं पाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। अगर मतलब ऊपर कर रहे हैं तो भी हो रहा है, नीचे कर रहे हैं तो भी हो रहा है, मतलब मूव करने में बहुत ज़्यादा हो रहा है ना। भयंकर धूप, ऐसा लग रहा है कि आफ्टरनून मतलब दोपहर के 12 बजे हैं। देखो इतना धूप ठंडी में आता है, 11 बजे तक रहता ही नहीं है, इतना धूप 11 बजे तक के आता है। देखो सब पेड़ पौधे में इतना ज़्यादा पानी वानी डाल के हरा भरा किए हैं। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि हमारे जो टमाटर है ना, एक भी सही नहीं निकलते, सब ख़राब हो जा रहे हैं, पता नहीं का है। देखो कितना फरा है माँ, इतना ज़्यादा है कि कोई नज़र न लगा रहे लेकिन सब ख़राब हो जाता है। और फूल भी लगे हैं देखो, मस्त, कुछ भी इसमें डाले नहीं है। आई थिंक कीड़े उड़े लग रहे होंगे या रोग लग रहा होगा, जो भी है अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइएगा। और ये देखो अमरूद में हवाएं, अमरूद इतने बड़े बड़े हो रहे हैं, पूरी डाल नीचे चली जा रही है। ये देखो पूरा लटक लटक के, ये वाले पेड़ में ज़्यादा हैं, वो वाले में तो इक्के दुक्के हैं। और इधर देखो सुबह सुबह मम्मी ले के तरबूज बैठी हैं खाए के लिए। ये इनका देखो पालतू लोग। पता नहीं काम काम कर रहे। अब आपको बता दें, पूरा तरबूज सौरभ काटे हैं, काट के लेके आए कल पापा। आजकल मतलब तरबूज डेली आता है, कल पापा लेके आए तो हम ऐसे ना खाब, हम थाली में काट काट के खावे। रुको 20 रुपये खूब बड़ा बड़ा तरबूज खरीदत रही, यहाँ इतना महंगा है कुछ कहेगी। हमारे यहाँ ट्रैक्टर से लद लद के जाते हैं। देखिए मम्मी ऐसे खा रही काट काट, हम ऐसे खा रहे हैं, ऐसा काट काट के ना खाए, ऐसे का बस ऐसे ऐसे करत हूँ, ऐसे ऐसे ना करत हूँ। हम कहा थी ना कि जैसे आप ऐसे ऐसे काटे हो ऐसा देश, अरे वो VIP स्टाइल है, लेकिन हम लोग देसी स्टाइल में खाए ला, एकदम बड़ा से फारी थे खचर खचर खाए लेगा। ऐसे मत चुगत नहीं, देखो इतने में चुईगा, आप मक्खी मक्खी भिन भी नहीं है। कमेंट करें कई लोग कि आप बोली थी ना आटे के रसगुल्ला बनाने जा रहे थे, तो वही कमेंट किए हैं कि मम्मी जी प्लीज आटे की रसगुल्ले की रेसिपी बताइए। फेमस हो रही हैं आप खाना बनाने के लिए। सोचिए आप खाना बनाने के लिए फेमस हो रही हैं, लोग आपसे रेसिपी पूछ रहे हैं। मम्मी की सहेलियां हैं, मम्मी बैठ के बेनुआ हाका थी। ये देखो शिवानी सो रही गर्मी में, बेचारी आई स्कूल से कॉलेज से आई, कही पापा का इन्वर्टर नहीं चल रहा, पापा को फ़ोन करके पूछी, ऐसे ही सो गई गर्मी में। और अभी हम पतिदेव आ गए हैं तो हम इनके साथ जा रहे हैं बाहर। आए
ए मम्मी बाहर जा रहे हैं, खोलो जी। किसका गाड़ी कैसे निकलेगी? फोन आ रहा है। मम्मी बता दिए और इतना गर्मी साला। तो पापा आज घर की लाइट भी काट गए हैं। ऐसे ना बोलो, पापा कहेंगे कि हम काट के गए हैं। चलो गाड़ी निकालते हैं अभी। ये देखो हमारी गाड़ी का कैमरा, अगर कोई नहीं है बताने वाला तो हम कैमरा देख के अपनी गाड़ी पार्क कर लेते हैं, निकाल भी लेते हैं। ओके जी, तो ये देखो फाइनली हम तैयार हो गए, एकदम गाड़ी में बैठ के तैयार हुए हैं। अब चलते हैं लोकेशन पे, अब हमको शूट करना है रील्स और वीडियोस वगैरह भी कुछ शूट करनी है, कुछ शॉपिंग वॉपिंग करना है। बाहर देखो ये हरा वाला चाय पत्ती लग रहा है, हमारा मन कर रहा है इसको तोड़ें उतर के देख लें। देख लो, थोड़ा और आगे करो गाड़ी, धूप होगा ना इसलिए लगाने नहीं आ रहा हूं। अच्छा लो, इतना बेकार। चुड़ैलिन बन गए हम तो बाहर जाके। छी 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 छी, नहीं है जी हमको घास है ये हमको लगा कि ये चाय पत्ती है, तोड़ दें, अगर होगा तो खा के कर ले जाए। बेवकूफ बन गए। देखो जी हम कहीं पहुंचे हैं, ये गेट खोल रहे हैं और अब हम उतरेंगे, उसके बाद दिखाते हैं। उतरी की चलो, हम आए हैं यहाँ पे अटल मनरेगा तालाब। एक्चुअली में ये है एक तालाब, बाहर से देखने में काफी खूबसूरत लग रहा था, मस्त। अच्छा इसका उद्घाटन जो यहाँ के मंत्री उन्होंने किया था और देखने में काफी अच्छा लग रहा था, मतलब ये घूमने वाला प्लेस मान सकते हो। लाइट जल रहा है तो भाई ये है एक घूमने वाली जगह जो तालाब के साइड साइड में, मतलब ऐसा जैसे रिवर फ्रंट बनाते हैं तालाब के साइड साइड में वैसे ही बना है। ये देखो वॉक करने के लिए और छोटे छोटे पेड़ भी लगाए गए हैं। हालांकि अभी ये जो पानी ना इसकी वजह से बहुत ज़्यादा उमस हो रहा है, गरम गरम लग रहा है, बट काफ़ी बड़ा बना है ये यहाँ तक और बहुत मस्त लग रहा है। यही देख के हम लोग रुके हैं। प्रॉपर वे में मेंटेन कर दीजिए। हाँ। पता क्या, इसको तब पूरा पक्का बना दे, इसको भी अच्छा बना दे और पूरी लाइट लगा रहे हैं ऊपर ऊपर साइड साइड से लाइट लगाना है ऐसे करके, और पानी को एकदम स्वच्छ रखे। स्वच्छ मतलब कि इस पे पक्का वाला होता ना पक्का। हाँ मतलब जैसे हमारे उधर तालाब पूरे पक्के बने हैं तो ये अपने आप में एक बहुत बढ़िया डेस्टिनेशन हो जाएगा मंदिर की वजह से। हाँ यहाँ छोटा सा मंदिर भी है ये और इधर पूरा तालाब, कितना मस्त लग रहा है। लोकेशन बहुत अच्छी लगी हमको, ये वाली लोकेशन पे हमने 2-3 रील शूट की है और अब हम चलते हैं वापस। बाबा रे बाबा, तेरे को मालूम क्या, बहुत सही चीज है लेकिन ये, लेकिन लोग मेंटेन नहीं किए हैं, खराब ही कर दिए हैं। गवर्नमेंट कितना मेंटेन करेगी, बाकी काम तो जनता का होता ना मेंटेन करने का। वही ना, लोग जिस चीज को करते हैं उसी को खराब करके गंदा करके चले जाते हैं। आज हम एक बार फिर से आ गए हैं प्रकाश चाट वाले के यहाँ घर में चाट ले जाने के लिए। अभी भीड़ नहीं है ज्यादा, अभी मिल जाएगा। चाट वाले भैया पहचानते हैं, ये देखो भैया चाट बना रहे हैं। जल्दी जल्दी पैक करवाइए, चलते हैं बनवाइए, चलते हैं। चलो हो गया, ये मम्मी का ये हम लोग का। देखो भाई हम जा रहे हैं अपनी घर की तरफ और सनसेट कितना मस्त हो रहा है, कितना अच्छा लग रहा है ना, शानदार गजब। मेरा मेकअप का सामान लिया ना, जल्दी आना। कोई है घर में? काहे ना आवे खै हैं? अरे उल्टा खोल रहे हो, चलो बाहर बाहर चलो, बाहरे चलो थोड़ा सीधा खोल नहीं अब नहीं हटेंगे। अच्छा
देखो हम बाहर गए सबके लिए चाट लेके आए, हम नहीं थे तो पार्टी चल रहा था है, अब नहीं खाएंगे। अरे हम नहीं खाएंगे। आपका ये वाला हम कहे इतना मिर्ची डाल दो कि मम्मी कहीं तीखा नहीं ना, खुद तीखा हो जाए। हमरे में डलवाए, तुमरे में नहीं डलवाए। हमको लगा तुम नहीं खाते हो। मम्मी तेरे सिलाई के थोड़ा सा मिला ली हो, इतना मिर्चा डाले हैं आपके रे में। गर्मा गर्म चाय भाई मारो फेवरेट हो। पापा देखिए तुम्हें अपने मंगा मंगा सब कोई खा ली। हम ना एक बात बताएं, कल जब गए थे कहीं हमको वड़ा पाव खाए का है, तो हम कहे नहीं वड़ा पाव नहीं खाने, कहीं अरे खा ले दे। हम कहे चलो अच्छा खा लो, ये खाई हम नहीं खाए तो खाई नोगे किया तो बताए का बताएं कहीं ना पापा खाए के लिए कुछ भी बनाओ ना, पापा नहीं खाते हैं इसके लिए। तो अभी हम चल रहे हैं सोने और रात में हमारे घर की लाइट बन गई है, इतना ज़्यादा मतलब सुबह से इतना तबीयत खराब हो गया, सोच लो सर दर्द इतना हो रहा है। आप देख रहे होंगे हमारे सर में इतना तेल लगा है। आई होप आपको हमारा आज का ये वाला ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे और भी मस्त मस्त वीडियो आने वाली हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।